नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे एक टिप्स और उसका सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को बने रहिए। जैसे कि आप सब ने स्क्रीन पे देखा होगा, इस प्रकार का मैसेज आपने बहुत बार अपने स्क्रीन पे, अपने डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में देखा होगा। जैसे कि ये मैसेज ये बताता है कि गूगल ने आपको जितना एक ईमेल यूज़र को 15 GB जो डाटा दिया है, उसमें से बहुत सारा डाटा आपने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 97% स्टोरेज यूज़ हुआ, सिर्फ 3% स्टोरेज आपके पास बचा है। तो ऐसे समय पे एक तो आप अपने इम्पोर्टेंट फोटोज, इम्पोर्टेंट इमेजेस, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीट करते हैं, और जो कि डिलीट करने के कारण वो वापस आपको कभी नहीं मिल पाते। लेकिन मैं आपको ऐसे समय पे किस तरह से अपने स्टोरेज को कम करना है, साथ ही साथ जो भी डाटा है, जो भी इम्पोर्टेंट पिक्चर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स है, वो कैसे स्टोर करना है, इसके बारे में जानकारी देने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। जैसे आप गूगल क्रोम पे जाओगे तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे गूगल टेकआउट्स इस प्रकार का मैं टेक्स्ट डाल के आपको गूगल टेकआउट इस वेबसाइट को ढूंढना है। जैसे आप गूगल टेकआउट पे जाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, कि फिर आपको क्या करना है कि आपको नीचे जाना है। जैसे आप देखेंगे कि सिलेक्ट डाटा टू इंक्लूड 51 जो 52 आउट ऑफ 51 हम ऐप्स अलग अलग प्रकार के यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिसलेक्ट ऑल करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे जाना है, जिस जगह पे या जिस ऐप्स से इंफॉर्मेशन हमें स्टोरेज करनी है और बाकी जो स्टोरेज खाली करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गूगल फोटोज़ के ऊपर जाना है। जैसे कि गूगल फोटोज़ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हमें उसको क्या करना है कि कम करना है और उसे सेव भी करना है। तो गूगल फोटोज़ को जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तब आपके सामने इस प्रकार का डेस्टिनेशन दिखाई देगा, कि आपको एक तो सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल आईडी एक्सपोर्ट वंस को आपको क्लिक करना है, और लास्ट में जाएंगे तो आपको जिप फोल्डर में आपकी सभी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टोर होने वाली है, और साथ ही साथ वो स्टोर जो भी जिप फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन वो आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, क्रिएट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तब आपकी जीमेल का जो भी डाटा है वो कम हुआ होगा, साथ ही साथ आपकी सभी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट जो फाइल है वो स्टोर हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये ट्रिक्स और उसका सॉल्यूशंस बहुत ही बेहतरीन लगा होगा।